हरे कृष्णा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतिति सिद्धये, यानी कि कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक मुझे जान पाता है। और आगे के श्लोकों में भगवान कहते हैं कि वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः, कि ऐसा महात्मा विरला होता है, अति दुर्लभ होता है जो मुझे वासुदेव श्री कृष्ण को सर्वस्व समझे। और ऐसे ही एक महात्मा के विषय में आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं। भारतवर्ष करोड़ों वर्षों से साधु संतों ऋषि मुनियों की भूमि रहा है। इस भूमि को हजारों संतों ने अपने ज्ञान से सींचा है। इस वैदिक संस्कृति को विश्व की सबसे बड़ी धरोहर माना जाता रहा है, किंतु कालखंड में आक्रांताओं के शासन के अंतर्गत इस बहुमूल्य संस्कृति का पतन हुआ। और इसका बहुत बड़ा कारण संतों के आचार विचार का हनन और सामान्य लोगों में धर्म के प्रति आस्था कम होना है। 18वीं और 19वीं शताब्दी ने भारत के आध्यात्मिक पटल पर बहुत सारे महान आत्माओं को उभरते और चमकते देखा। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चल रहा था। उसी समय कई दर्शन शास्त्री, गुरु, स्वामी इत्यादि उभरे, जिन्हें लोगों ने पसंद किया और उनका अनुगमन किया। कोई समाज में बढ़ रही धार्मिक कुरीतियों को सुधारने में लगा था, तो कोई दीन दुखियों की सेवा को आध्यात्मिकता से जोड़कर प्रस्तुत कर रहा था। कोई योग या सिद्धियों की सहायता से आध्यात्मिकता का प्रचार कर रहा था, तो कोई वेदों के कुछ भाग को तर्क वितर्क द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा था। और ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण के संदेश को यथारूप जन जन तक पहुंचाने के लिए संसार में एक ऐसे संत ने जन्म लिया जिसने अपने जीवन के अंतिम चरण में व्यक्तिगत आपदाओं को झेलते हुए सनातन धर्म के ज्ञान को संपूर्ण विश्व में फैलाया। भारत के कई संत विश्व में विख्यात हुए, परंतु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ही एकमात्र ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने भक्ति को, आध्यात्मिकता को सबके लिए सुलभ बनाया। आज उनकी ही बदौलत विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं जहां भगवान श्री कृष्ण के भक्त ना हो, जहां जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ना निकलती हो। विश्व में चाहे अफ्रीका हो, एशिया हो या अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अरब देश हो या फिर रूस या जापान, घर घर में माता पिता से लेकर बच्चे भी कृष्ण भक्ति में लीन हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन कर रहे हैं। आइए संक्षिप्त में जाने इस महान व्यक्तित्व की जीवन यात्रा के बारे में, जिनके दिग्विजय और अनुकरणीय कार्यों के विषय में कम ही लोगों को जानकारी है। जी हाँ, ये कहानी है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन, जिसे हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। 1 सितंबर सन 1896 को श्रील प्रभुपाद का जन्म कोलकाता के टॉलीगंज नामक स्थान पर जन्माष्टमी के अगले दिन हुआ था। उनके माता पिता श्री गौर मोहन डे तथा श्रीमती रजनी देवी ने उनका नाम रखा अभय चरण। सन 1901, जब वे 5 वर्ष के थे, तब जगन्नाथपुरी की विश्व विख्यात रथ यात्रा से प्रेरित होकर उन्होंने घर में श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली, जिससे श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति का अंकुर उनके हृदय में पल्लवित हुआ। सन 1902, उनके पिता श्री गौर मोहन डे ने अभय को बचपन से ही शुद्ध भक्ति के अंगों का अभ्यास करना सिखाया था। वे अभय को पास के ही श्री श्री राधा गोविंद मंदिर में ले जाया करते थे तथा सन 1902 से श्रील प्रभुपाद ने श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करना प्रारंभ किया। सन 1916, जब संपूर्ण विश्व के लिए घोर परिवर्तन का समय था, प्रथम विश्व युद्ध उफान पर था, श्री गौर मोहन डे अपने पुत्र को उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश नहीं भेजना चाहते थे। तब 20 वर्ष की आयु में अभय ने कोलकाता के विख्यात स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में अभय ने अंग्रेजी, संस्कृत के साथ कई अन्य विषयों में शिक्षा ग्रहण की। सन 1918, 22वें वर्ष में अभय का विवाह श्रीमती राधा रानी दत्त से हो गया और अपना गृहस्थ जीवन उन्होंने कुछ इस प्रकार जिया मानो जैसे कमल पत्र में पानी की कोई बूंद। सन 1920, उन्होंने 24 वर्ष की आयु में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। सन 1921,
अभयचरण को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने में रुचि थी, अतः विद्यार्थी जीवन में वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए और 25 वर्ष की आयु में वे महात्मा गांधी जी के आंदोलन से जुड़ गए और इसी वर्ष उन्होंने बोस लेबोरेटरी के असिस्टेंट मैनेजर का कार्यभार भी संभाला। सन 1922 26वें वर्ष में अपने एक मित्र के माध्यम से वे गौड़ीय मठ के संस्थापक आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी से मिले, जिससे अभयचरण असाधारण रूप से प्रभावित हुए और उन्होंने ये सीखा कि बाहर के परिवर्तन से भीतर का परिवर्तन कहीं ज्यादा मायने रखता है। और प्रथम भेंट में ही उन्हें गोस्वामी जी द्वारा पाश्चात्य देश में हरे कृष्ण महामंत्र और संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के प्रचार का आदेश मिला। सन 1923 अपने परिवार के साथ वे इलाहाबाद गए, जहां उन्होंने प्रयाग फार्मेसी की स्थापना करते हुए व्यवसाय आरंभ किया। सन 1925 29वें वर्ष में प्रथम बार अभयचरण ने भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत निवास स्थली श्री वृंदावन धाम की यात्रा की। सन 1928 उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नाम प्रचार हेतु गौड़ीय मठ के इलाहाबाद केंद्र की स्थापना में सहायता की। सन 1932 उन्हें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी से 36वें वर्ष की आयु में दीक्षा प्राप्त हुई और उन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। उसके पश्चात अभय का नाम अभय चरणारविंद पड़ा। सन 1934 गौड़ीय मठ के बॉम्बे ग्वालियर टैंक सेंटर की स्थापना में उन्होंने सहायता की। सन 1935 अभय चरणारविंद जी को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी द्वारा वैदिक ज्ञान का प्रसार करने हेतु पुस्तकों के प्रकाशन व मंदिरों की स्थापना का निर्देश प्राप्त हुआ। सन 1936 उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी एक ब्रह्मनिष्ठ संत थे। उन्हें आगामी भविष्य की होने वाली घटनाओं के विषय में पहले से ही ज्ञान था। 1936 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का तिरोभाव हुआ और तिरोभाव से पूर्व उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को, जो कि उस समय 40 वर्ष के थे, पाश्चात्य देशों में श्री कृष्ण भक्ति के अनुपम संदेश का प्रचार प्रसार करने का फिर से निर्देश दिया। सन 1944 48वें वर्ष में उन्होंने गुरु के आदेशानुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेशों को अपनी अंग्रेजी पत्रिका बैक टू गॉडहेड भगवत दर्शन के द्वारा पूर्ण करने का संकल्प किया। पत्रिका को चलाए रखने के लिए श्रील प्रभुपाद स्वयं ही पूरी रात रात जागकर लिखा करते थे। पैसों के अभाव में टाइपिंग, प्रिंटिंग, प्रूफ रीडिंग आदि सारे कार्य उन्होंने स्वयं ही किए। उन्होंने एक एक प्रति निशुल्क बांटकर भी इसके प्रकाशन को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। ये पत्रिका कभी बंद नहीं हुई और अब यह मासिक पत्रिका उनके शिष्यों द्वारा विदेशों में भी चलाई जाती है, जो कि 30 से अधिक भाषाओं में छप रही है। सन 1947 51 वर्ष की आयु में उनके दार्शनिक ज्ञान एवं भक्ति की महत्ता पहचानकर प्रशंसा करते हुए गौड़ीय वैष्णव समाज ने उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया, जिसका अर्थ है कि जिसे यह ज्ञात हो गया है कि भगवान की भक्ति ही सभी वेदों का अंतिम मत है। सन 1950 54 वर्ष की अवस्था में श्रील प्रभुपाद ने गृहस्थ जीवन त्यागा ताकि वे अपना अधिक से अधिक समय अध्ययन और लेखन को दे सके। सन 1953 57 वर्ष में उन्होंने भक्ति का प्रचार करने हेतु झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की। सन 1956 60 वर्ष की आयु में श्रील प्रभुपाद वृंदावन चले गए और वहीं निवास करने लगे। सन 1959 63 वर्ष की आयु में उन्होंने उनके गुरु भाई श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जी से संन्यास ग्रहण किया, जिसके पश्चात वे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी कहलाए। सन 1960 जब उन्होंने अपनी प्रथम पुस्तक अन्य लोगों की सुगम यात्रा का प्रकाशन किया और सन 1962 उन्होंने श्रीमद् भागवतम पुराण का अनेक खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद और व्याख्या की तथा सन 1962 में श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के प्रथम भाग का प्रकाशन किया। सन 1965 60 और 70 वर्ष की आयु में जब हम सभी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, उस समय 69 वर्ष की वृद्ध आयु में
श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु द्वारा दशकों पूर्व दिए गए आदेश विदेशों में हरिनाम के प्रचार की पूर्ति का दृढ़ संकल्प लिया। 13 अगस्त 1965 को कलकत्ता से मात्र $7, कुछ पुस्तकें, एक छतरी, अटैची और कुछ सूखी खाद्य सामग्री लेकर सिंधिया नेविगेशन कंपनी के जलदूत नामक एक मालवाहक जहाज जिसमें सामान ले जाया जाता है उसमें पाश्चात्य देश की कठिन समुद्री यात्रा पर अकेले निकल गए। पैसों के अभाव के कारण श्रील प्रभुपाद ने इस मालवाहक जहाज में 37 दिन की कठिन यात्रा की और उसके पश्चात अमेरिका पहुंचे। ये यात्रा प्रभुपाद जी की याचना पर सिंधिया नेविगेशन कंपनी की सुमति मोरार जी द्वारा निशुल्क सहायता थी। यात्रा के दौरान उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए 2 दिन के भीतर 2 हार्ट अटैक की असह्य पीड़ा, अपच, उल्टियां और भोजन की दिक्कतों से गुजरना पड़ा, किंतु रात्रि को स्वप्न में उन्हें भगवान श्री विष्णु के सभी अवतार एक भीषण तूफान में फंसी नौका को बारी बारी से खेते दिखाई दिए। मानो ये मात्र स्वप्न नहीं, ईश्वर से एक प्रत्यक्ष वार्तालाप था। कभी उन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी अलौकिक छवि में नाव खेते नजर आए, कभी नृसिंह भगवान अपने दिव्य मनोहारी स्वरूप में। संपूर्ण रात्रि उन्हें भगवान श्री हरि के विविध अवतारों ने स्वप्न में दर्शन दिए। श्रील प्रभुपाद ने भगवान से प्रार्थना की कि आपने यदि मुझे यहाँ भेजा है तो जरूर इसमें आपकी कोई ना कोई योजना अवश्य होगी और मैं एक कठपुतली की तरह आपके हर उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आपको जैसा मुझे नचाना है वैसा नचाइए। सन 1966, बिना किसी धन के, बिना किसी संबंध और सहयोग के एक युवा व्यक्ति को भी दूसरे देश जाने के लिए असाधारण साहस चाहिए। फिर 70 वर्षीय एक वृद्ध व्यक्ति का कहना ही क्या। उनको अमेरिका में कई कठिनाइयां झेलनी पड़ी और श्रील प्रभुपाद की करुणा व दया कुछ ऐसी थी कि अमेरिका जाकर वे कुछ समय बाद हिप्पियों के मध्य रहे। वे हिप्पी जिनका एक ही नियम था और वो ये था कि सारे नियमों को तोड़ना। वहां पर स्वामी प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति को वितरित करना शुरू किया और सैकड़ों व हजारों लोगों को शुद्ध जीवन जीने के लिए व कृष्ण भक्ति करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें परिवर्तित किया तथा इसी उद्देश्य को विश्व स्तर पर सुचारू रूप से आगे बढ़ाने हेतु एक संगठन की आवश्यकता थी, जिस कारण उन्होंने न्यूयॉर्क में सन 1966 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ इस्कॉन की स्थापना की, जो एक ऐसा घर है जहां सभी जीव, रंग, जाति, देश आदि सभी भेदों से मुक्त होकर एक साथ कृष्ण भक्ति कर अपना जीवन सुखमय व आनंदमय बना सकते हैं। सन 1967, 71 वर्ष की आयु में श्रील प्रभुपाद द्वारा विदेश में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में प्रथम जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। सन 1968, मैकमिलन कंपनी द्वारा श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित सभी वैदिक शास्त्रों का सार भगवद गीता यथारूप का प्रकाशन। सन 1970, 74वें वर्ष में श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए एक गवर्निंग बॉडी कमीशन यानी GBC की स्थापना की। सन 1971, इस वर्ष अपने कुछ विदेशी शिष्यों के साथ श्रील प्रभुपाद 75 वर्ष की आयु में भारत आए। लोग उन्हें और उनके विदेशी शिष्यों को देखकर अत्यधिक आकर्षित हुए और उनके कार्यक्रमों और उत्सवों में रुचि दिखाई। इस प्रकार भारत में इस्कॉन द्वारा हरिनाम का प्रचार आरंभ हुआ। वह इसी वर्ष श्रील प्रभुपाद ने गुरुकुल विद्यालय की स्थापना द्वारा पश्चिमी देशों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की वैदिक प्रणाली का सूत्रपात कर दिया था। सन 1972, अब श्रील प्रभुपाद जी अपने 76वें वर्ष में पुस्तकों के प्रकाशन हेतु भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना करते हैं, जो कि भारतीय धर्म व दर्शन के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक है। सन 1975, श्रील प्रभुपाद ने उनकी एक अभिनव कृति धार्मिक महाग्रंथ श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित श्री चैतन्य चरितामृत का 17 खंडों में अनुवाद और टीका पूर्ण कर उसका प्रकाशन किया। 14 नवंबर सन 1977 को
कृष्ण बलराम मंदिर 81 वर्ष की आयु में श्री वृंदावन धाम में समाधि लेने से पूर्व तक श्रील प्रभुपाद ने अपने कुशल मार्ग निर्देशन के कारण इस कौन संघ को विश्व भर में 100 से अधिक मंदिरों के रूप में आश्रमों, विद्यालयों, मंदिरों और कृषि समुदायों का एक बृहद संगठन बना दिया था। सन 1966 से 1977 तक अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी के आदेश की पूर्ति, जो कि हरि नाम का प्रचार था, इस हेतु श्रील प्रभुपाद ने दुनिया भर की 14 बार परिक्रमा की, विश्व के अनेक नेतों से मुलाकात की, लगभग 60 ग्रंथों को लिखा और अपने शिष्यों को सुझाव देने हेतु और मंदिरों के संचालन के लिए हजारों पत्र लिखे। और कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जब वे प्रवचन नहीं देते थे, रात्रि को ग्रंथों पर टीकाएं नहीं लिखते थे। इस प्रकार व्याख्यान, प्रवचन, वार्तालाप और साक्षात्कार देकर वैदिक दर्शन को समझाने के लिए लोगों को उन्होंने कृष्ण भावना प्रदान की और पूरे विश्व में हजारों को शिष्य बनाया और करोड़ों को प्रेरित किया। श्रील प्रभुपाद जी के अथक प्रयासों से हरे कृष्ण महामंत्र आज दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं श्री कृष्ण हैं, उनकी भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी ते आचे आते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हई बे मोर नाम, अर्थात भविष्य में पृथ्वी के हर नगर हर गांव में हरि नाम का प्रचार होगा। और श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित इस कौन संस्था के माध्यम से गांव गांव और शहर शहर में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है और चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी सत्य होती दिख रही है। श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से हरे कृष्णा टीवी भी उनके इस दिव्य हरे कृष्ण आंदोलन को प्रत्येक जीव तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रील प्रभुपाद का सारा जीवन संघर्षमय था। उन्होंने जीवन निर्वाह हेतु कई प्रकार के व्यवसाय आरंभ किए जिनमें उन्हें बार बार असफलता मिली और पहले पहल तो कृष्ण भक्ति के प्रचार में भी उन्हें सफलता नहीं मिली थी, किंतु इन्होंने इन सब को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया और जीवन में आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनका पूरा ही जीवन संघर्षमय है, किंतु भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति व गुरु के आदेश के प्रति पूर्ण समर्पण, विश्वास व त्याग की भावना के कारण आज विश्व के कोने कोने में इस्कॉन के भव्य मंदिर हैं, देश विदेश में लाखों दीक्षित भक्त व 80 से अधिक भाषाओं में पुस्तकें, शुद्ध भोजनालय जहां भगवान को भोग लगाकर भोजन मिलता है, सैकड़ों कृषि समुदाय, गुरुकुल और आश्रम है, और ये सब श्रील प्रभुपाद के कारण ही है और ये है उनकी विराट सफलता। संसार में ऐसे कई लोगों की जीवनी है जिन्हें पढ़कर सुनकर प्रेरणा मिलती है, परंतु श्रील प्रभुपाद जैसे संत की जीवनी को पढ़कर और सुनकर हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। संसार में कभी कभार ही ऐसा कोई महापुरुष आता है जो सामान्य व्यक्ति की सोच से, शक्ति से अधिक कार्य करके जाता है, और उनमें से एक थे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद। आप सभी से भी विनम्र निवेदन है कि आप भी निकटतम इस्कॉन मंदिर जाकर इन शुद्ध कृष्ण भक्त का आश्रय लें और हरे कृष्णा टीवी देखते हुए श्रील प्रभुपाद के बताए मार्गदर्शन को अपनाएं व इनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी सफल बनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839।